सदस्य गण आज हमारे इस प्रोग्राम में हैं। आज हमें उनको सुनने का अवसर मिलेगा, एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा। कौशाम्बी की जो हमारे महिला मंडल है उनकी एक प्रस्तुति है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पूना से बनते आसंग जी आए हुए हैं, उनका आपने सार गर्भित प्रवचन कम से कम 1.5-2 घंटे का चलने वाला है, आप उसको सुनेंगे, आप अपने आप को लाभान्वित महसूस करेंगे। प्रोग्राम क्रमबद्ध है तरीके से होगा, थोड़ा आपको शांत रहकर इसको सुनना होगा। और बाबा साहब के परिवार से जो लोग हमारे बीच में, उनके बीच में हमारा जो है ये मैसेज आए कि हम कितने अनुशासन के पालन करने वाले हैं, तो सब शांति के साथ सुनेंगे। मेरा अनुरोध है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंदराम अंबेडकर जी से कि वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चित्र को पुष्प अशोक मुकुंदराम अंबेडकर जी जो बाबा साहब के पुत्र हैं और बाबा साहब के परपोत्र राज रतन जी आज हमारे बीच में हैं, उनके साथ हमारे प्रादेशिक अध्यक्ष सी एस भंडारी जी उनकी सहायता कर रहे हैं। साथियों, ये बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है कि आज मुंबई से हमारे बीच में चलकर ये हस्तियाँ हमारे बीच हैं। हमारे बीच में बाला साहब गायकवाड़ जो जनरल सेक्रेटरी हैं दिबुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे बीच में हैं। हम सब तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस प्रादेशिक मंच से